Hello friend, myself AJ. Aaj hum dekhne wala hai next topic in a specialized cloud mechanism. In the last session humne kya kiya tha, numbers of jo session the and numbers of listener, load balancer, SLA monitor, pay per use monitor, audit monitor, failover system, hypervisor, resource clusters ek dekhe the. Aaj hum dekhne wale next multi device broker and state management database. So first of all, multi-device broker की जो concept है इसका concept पर देखते हैं, then within definition देखेंगे. In a multi-device broker, okay? So multi-device broker हमने क्यों यूनियन किया? Basically, in individual cloud service में need to be accessible by range of cloud service consumer differentiately by their hosting hardware devices and or communication रिक्वायरमेंट कि जैसे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लाउड था या क्लाउड की सर्विस एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिकली जो क्लाउड का डिवाइस था या क्लाउड से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस रिक्वायर था, जो होस्टिंग हार्डवेयर डिवाइस हमारे हमें रिक्वायर था या कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर था. तो इसी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए या जो डिवाइस इनकम्पेटेबिलिटी था टू ओवरकम द incompatibility between cloud service and cloud service consumer, दोनों कंज्यूमर को क्या करना पड़ता था कि स्पेसिफिकली क्लाउड को एक्सेस करना है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइस कैरी करना पड़ता था तभी उस क्लाउड को एक्सेस कर पाता था. बट मल्टी डिवाइस ब्रोकर ने क्या यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की टू मैपिंग अ लॉजिकल नीड टू बी क्रिएटेड टू ट्रांसफर और कन्वर्ट इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज एट अ रन टाइम, कि जो भी इंफॉर्मेशन थी कि सभी को कन्वर्ट करेगा इन अ फॉर्म ऑफ डिवाइस, कि यूजर के पास कौन सा डिवाइस है उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे चेंज होने वाले, दैट इज नथिंग बट अ मल्टी डिवाइस ब्रोकर. तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन देखते हैं. द मल्टी डिवाइस ब्रोकर मैकेनिज्म इज यूज टू फैसिलिटेट द रन टाइम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सो एज मेक अ क्लाउड सर्विस एक्सेसिबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर प्रोग्राम एंड डिवाइसेस, कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट लाइक कि हमारे पास लैपटॉप है, पीसीज है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है हर डिवाइस के ऊपर हमें क्लाउड की सर्विस एक्सेस करनी आनी चाहिए कि या एक्सेस करने को मिलनी चाहिए. इस पर्पज के लिए हमने क्या किया यहाँ पे मल्टी डिवाइस ब्रोकर इस मैकेनिज्म को क्रिएट किया, यूज किया. ओके, सो कॉमनली मल्टी डिवाइस ब्रोकर कहाँ पे यूज होता है या किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं? सो मल्टी डिवाइस ब्रोकर इज कॉमनली एग्जिस्ट एज अ गेटवे एंड इनकॉर्पोरेट अ गेटवे कंपोनेंट सच एज, कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेटवे. ओके, फर्स्ट हम गेटवे देखते हैं, देन नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे. तो फर्स्ट गेटवे रहती है XML गेटवे. XML गेटवे यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करने वाले, टू ट्रांसमिट एंड वैलिडेट द XML डेटा, कि आप पे क्लाउड के ऊपर जो भी XML फॉर्म के अंदर डेटा होगा उसको ट्रांसमिट करने के लिए या उसका जो वैलिडेशन होगा उसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे XML गेटवे रिक्वायर है. देन सेकेंड रहती है क्लाउड स्टोरेज गेटवे. क्लाउड स्टोरेज गेटवे टू ट्रांसफॉर्म क्लाउड स्टोरेज प्रोटोकॉल and encode storage devices to facilitate data transfer and storage, कि जो भी numbers of क्या जितने भी numbers of protocol हमें required है for the storage purpose वो सभी के सभी execute करने के लिए, encode करने के लिए या handle करने purpose के लिए हम cloud storage gateway यहाँ पे use करेंगे. then last that is a mobile device gateway to transform and communication purpose we use a mobile device gateway. Okay, mobile in the sense just like not a smartphone, mobile in the sense जो moving devices. Okay, just like your laptop, smartphone, then PDA. Okay, personal device assistant. कि जितने भी नंबर्स ऑफ मोबाइल मूविंग डिवाइसेस है सभी के साथ हमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पर्पज के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे सभी के सभी प्रोटोकॉल इन अ मोबाइल डिवाइस गेटवे के ऊपर एग्जीक्यूट होने वाले. ओके, देन नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कंसेप्ट को. जैसे कि आपको दिख रहा है इन अ डायग्राम, फर्स्ट दैट्स अ क्लाउड सर्विस,
एंड सेकेंड मल्टी डिवाइस ब्रोकर. इन अ मल्टी डिवाइस जितने भी नंबर्स ऑफ हमने देखे जैसे कि पीसीज लैपटॉप एंड मोबाइल फोन, इस जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है सभी के सभी डिवाइसेस हम इससे एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. मल्टी डिवाइस ब्रोकर कंटेन अ मैपिंग लॉजिकल नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म अ डेटा एक्सचेंज बिटवीन अ क्लाउड सर्विस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर डिवाइसेस. मैपिंग ऑफ योर डेटा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर वेबसाइट आपने देखी है, कोई भी एक डायनामिक वेबसाइट है, जैसे कि वो वेबसाइट पीसी के ऊपर अलग फॉर्म में दिखती है, लैपटॉप के अंदर भी अलग दिखती है एंड मोबाइल फोन के अंदर भी अलग वे में दिखती है. कि उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, लॉजिकली चेंजेस होते हैं उसके अंदर, उस क्लाउड सर्विस के अंदर. तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी डिवाइस ब्रोकर. ये सिंपली इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हॉटस्टार, ऑल आर फैमिलियर विद हॉटस्टार. सो हॉटस्टार का जो वेबसाइट है फॉर कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट पर्पज, ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक डिवाइस के अंदर डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन होगी डिफरेंट वे से यहाँ पे प्रोवाइड होने वाले, ओके. सो दिस मैकेनिज्म इन द सेंस मल्टी डिवाइस ब्रोकर मैकेनिज्म कैन ऑल्सो बी एन इम्प्लीमेंट एज अ सर्विस एजेंट दैट इंटरसेप्ट मैसेज एट अ रन टाइम टू परफॉर्म अ नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन. कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगी या जो भी डेटा रन करना है, एक्सचेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इस सभी पर्पज के लिए यहाँ पे मल्टी डिवाइस ब्रोकर हम यूज करने वाले. ओके, समझ में आया, कोई डाउट? ओके, इफ कोई डाउट होगा सो कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.